अरे मेरी माँ का घर है, अपनी माँ के घर नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी। तू तेरा काम कर। अरे जा जा, तुझे तो मैं देख लूंगी मेंढक जैसे मुंह वाली। अरे बाजी क्या हुआ, किसे देख रही हो? तुझे तुम्हारी पड़ोसन है, फालतू बातें करती है मुझसे। किसी दिन मेरी जूती और उसका मुंह दोनों एक जैसा कर दूंगी। छोड़ो बाजी, आप भी कहाँ मुंह लगते हो इन जाहिलों के। बैठो, आप तो सारा मूड खराब कर दिया इस मनहूस मारी ने। अरे आप तो नाराज मत हो। और एक बात बताओ भाभी, तुम्हारी सास यानी मेरी माँ, उनका क्या दिमाग में फिर गया है? क्यों, क्या हो गया? मेरे शोहर को फोन किया परसों कि तुमसे बहुत जरूरी काम है, घर आओ बेटा। और फिर पूरे दिन उनसे घर के जाले साफ करवाए। कोई अपने जवाई से ऐसा काम करवाता है? बाजी आप तो जानती हो ना मम्मी को। अच्छा बाजी पानी लेकर आती हूँ। अरे शन्नो तू कब आई? अच्छा वह खाला तो मुझे यही मिल गई। यहाँ के बाद में तुम्हारे ही घर आने वाली थी वैसे। कोई बात नहीं, वो भी तेरा ही घर है, जब मन करे जब वहाँ आ जाना। वाह खाला, बड़ा अपनापन दिखा रही हो। तुमने अपनी बेटी गुड़िया का रिश्ता मुझसे छुपा कर कर दिया, सारे खानदान को पता है। तुमने क्या सोचा था मुझे पता नहीं चलेगा? अरे मैं भी आइंस्टाइन के दिमाग के टक्कर की औरत हूँ, जब तक खोज नहीं लगा लेती चुपचाप नहीं बैठती। अरे भाई पूरे खानदान को तो पता है कि मेरी बेटी का रिश्ता हो चुका है। हाँ हाँ, ज्यादा बातें नहीं बनाओ, जैसे बड़ा हीरा दामाद ढूंढा है तुमने। एक नंबर का बेवकूफ इंसान है, पूरे शहर में उसके बेवकूफी के किस्से मशहूर हैं। अरे मुझे सब पता है, शादी हमेशा बेवकूफ मत से करनी चाहिए, समझदार से करो तो बीवी का जीना हराम कर देता है। खैर चलूं मैं तो, आज गुड़िया के ससुराल वाले शादी का कार्ड दिखाने आ रहे हैं। लो भाजी पानी। हाय कितना शोर कर रहे हो तुम लोग, नमाज पढ़ना मेरा मुश्किल कर दिया तुम लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। चाय बना दूं मम्मी आपकी? वालेकुम अस्सलाम। नहीं पहले तस्बीह पूरी कर लूं फिर पीऊंगी चाय। बाजी आपने ये कैसे पता लगाया खाला रिश्ता कहाँ कर रही है? अरे वो तो छोड़ो आपकी कैसे पता लगाया, मजा तो अब आएगा जब गुड़िया के ससुराल वाले कार्ड लेके नहीं जूते लगाने आएंगे इनके। बाजी आपको ये कैसे पता? इसी ने कोई खुराफात करी होगी। हाँ मैंने ही जाके वहाँ गुड़िया और खाला के कच्चे चिट्ठे खोल दी। वहाँ उन लोगों को सब समझदार और खानदानी समझ रहे, जब मैंने उनको उनकी असलियत बताई तब जाके उनकी आंखें खुली। बाजी आपने ऐसा क्यों किया? भाभी आपको पता नहीं है खाला कितनी जहरीली औरत है, काला नाग भी इनसे जहर लेकर जाता है। कल मैं खाला के घर गई थी, मैंने सोचा चलो रिश्ते की बधाई दिया हूँ, नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंची तो दोनों खाला और गुड़िया मिलकर इतनी बुराइयां कर रही थी अम्मी और आपकी, मेरा तो बस खून खोल गया। फिर मैं कौन सी कम हूँ, मैं भी अमेरिका की तरह बहुत आगे की प्लानिंग करती हूँ। मैं भी अंदर ही नहीं गई और वहां से सीधी गई गुड़िया के ससुराल और वहां जाके इन दोनों की सारी असलियत बता दी। मुझसे तो आप दोनों की बुराई सुनी नहीं जाती। चलो अभी तो मैं चलती हूँ, अगर खाला को पता चल गया तो यही लड़ने आ जाएगी मुझसे। अच्छा अम्मी अल्लाह हाफिज। बेटा तुम इसे कम मत समझना, शैतान भी ट्यूशन लेने आता है इससे। जी मम्मी, पर जो भी है बाजी ने सही नहीं किया खाला के साथ। छोड़ो तुम तो उसे, तुम तो शाम के खाने की तैयारी करो। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बाय।